हाल ही में पास कृषि विधेयकों की जमकर आलोचना करते हुए जगह जगह इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विपक्षी पार्टियां मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस बिल का विरोध कर रही हैं। इसी के तहत पटना में भी जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर इस बिल का विरोध किया। पार्टी के लोगों ने डाक बंगला चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और बिल को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि इस बिल को लागू करके किसानों के साथ अन्याय किया जाएगा। वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मोदी सरकार के कृषि विधेयकों को खेती को अमीरों के हाथों में गिरवी रखने की साजिश करार दिया। उन्होंने इसके खिलाफ 27 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है। आज जो नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना में और लॉकडाउन के समय किसान विरोधी जो नीति पूरे भारतवर्ष में लागू की है, उसके खिलाफ जन अधिकार पार्टी का आज बिहार के सभी जिले मुख्यालयों में पुतला नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया था, जिसके तहत आज पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर पुतला दहन किया गया था, जिसमें जो किसान विरोधी नीति है उसके बारे में परिचर्चा किया गया। और इस चर्चा को हम अब किसानों के बीच ले जा रहे हैं, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले। हम लोग कल से नुक्कड़ सभा करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, जो ये किसान नीति लाई गई है लोगों को अवगत कराएंगे, क्योंकि वो किसानों को गरीबों को धोखे में रख के ये नीति लाई है और उनका वोट भी लेना चाहती है। वो लोगों को ब्रांडिंग करवा रही है मीडिया के माध्यम से, बड़े बड़े प्रचार हुडिंग के माध्यम से कि हम किसान के पक्ष में लाए हैं, मगर उस नीति को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा वो पूंजीपतियों का नीति है। पूंजीपति को कैसे फ़ायदा पहुँचे इसके लिए वो काम कर रही है। तो हम लोग अब नुक्कड़ सभा करेंगे गांव में किसानों के बीच और किसानों को जगाने का काम करेंगे। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसानों के घर घर जाकर उन्हें जगाने का काम करने के साथ ही नुक्कड़ नाटक करके लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। पटना से संजीव की रिपोर्ट।